आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल बेनजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। ये कविता शेयर की है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अक्षय कुमार ने, साथ ही कैप्शन भी लिखा, ऑन अ हॉलीडे एंड इन अ मूड टू रीड सम शायरी केम अक्रॉस दिस जेम बाय बशीर बदर शाह। क्या खूब लिखा है। लगातार एक के बाद एक फ्लॉप से अक्षय अब डिप्रेशन में जाते दिख रहे हैं। कोरोना के बाद से अक्षय ने अब तक कोई फिल्म ऐसी नहीं की है जिसमें उन्हें लाइमलाइट मिली हो। साल में 4 फिल्में करने वाले अक्षय अब तक कोई भी फिल्म ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ वक्त पहले उन्होंने इंटरव्यू के दौरान भी अपने लो फेस के बारे में बात की थी, जहां उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए थे, जहां वो अपनी परेशानी भी छुपाते दिख रहे थे लेकिन छुपा नहीं पाए। दरअसल 12 जुलाई को अक्षय की फिल्म सरफिरा आई। लोगों को उम्मीदें थी कि ये फिल्म कुछ कमाल करके दिखाएगी और एक लंबे वक्त के बाद अक्षय की कोई फिल्म हिट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये फिल्म केवल 31 करोड़ तक ही पहुंच सकी। यहां तक कि फिल्म ने अपना बजट भी क्रॉस नहीं किया। और इसी बीच अक्षय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट पर फैंस तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और इसे उनकी फ्लॉप फिल्मों से जोड़ रहे हैं। यही नहीं, अक्षय कुमार भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब उनकी फिल्में फ्लॉप होती हैं तो इंडस्ट्री के लोग इस बात से खुश होते हैं और उनकी इन लाइनों को भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है। अक्षय के फैंस अब तरह तरह की प्रतिक्रिया उनकी इस पोस्ट पर कर रहे हैं। एक ने उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा कि वक्त खराब है कोई नहीं, हमारा भी वक्त आएगा और जरूर आएगा। तो एक ने लिखा, वक्त खराब था, कुछ दोगले लोग पलट गए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई रोक सके तो रोक ले। और किसी ने अक्षय की फिरकी ले ली, कहा वाकई कौन सी लाइन में आ गए हो। उनकी आने वाली फिल्म के बारे में बात करते हुए एक यूजर ने लिखा, अपना ख्याल रखना पाजी, खेल खेल में का बेसब्री से इंतजार है। बता दें खेल खेल में को मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट किया है। ये पिक्चर 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सरफिरा से पहले अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज हुई थी और इस फिल्म का भी जमकर प्रमोशन हुआ। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। वही फिल्म का क्लैश अजय देवगन की मैदान से हुआ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को बनाने में 350 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये फिल्म अपना बजट नहीं निकाल पाई। इस पिक्चर ने दुनिया भर में 111 करोड़ रुपए का कलेक्शन ही किया था। इससे पहले भी उनकी सेल्फी, मिशन रानीगंज और सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आई लेकिन फ्लॉप रही। आने वाले समय में वो हीराफेरी 3, हाउसफुल 5, वेलकम 3 और जॉली एलएलबी 3 जैसी अपनी ही फिल्मों के सीक्वल में नजर आएंगे। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी बॉलीवुड से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप 4 PM बॉलीवुड।